अरुण देव साय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जो इस विधानसभा के सदस्य हैं वो विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। द्वितीय प्रस्ताव डॉक्टर चरणदास महंत सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जो इस विधानसभा के सदस्य हैं को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। श्री भूपेश बघेल। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। तृतीय प्रस्ताव श्री ब्रजमोहन अग्रवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी जो इस विधानसभा के सदस्य हैं को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। श्री पुन्नू लाल मोहले। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। चतुर्थ प्रस्ताव श्री अजय चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी जो इस विधानसभा के सदस्य हैं वो विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। श्री विजय शर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पंचम प्रस्ताव श्री केदार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी जो इस विधानसभा के सदस्य हैं को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। श्रीमती भावना बोहरा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। सभी प्रस्ताव प्रस्तुत हुए कि डॉक्टर रमन सिंह जो इस विधानसभा के सदस्य हैं को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। क्योंकि सभी पांचों प्रस्ताव एक समान हैं, अतः मैं पांचों प्रस्ताव पर एक साथ ही मत लूंगा। प्रश्न यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जो इस विधानसभा के सदस्य हैं को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वो कृपया हां कहें। सर्वसम्मति से। हां सभा। हां माननीय स्पीकर साहब, सर्वसम्मति से कर दीजिए इसको। और जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। सर्वसम्मति। हां की जीत हुई। हां की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को सर्वसम्मति से विधानसभा का विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष घोषित करता हूं। डॉक्टर रमन सिंह जी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से बधाई देता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों के ही सदस्यों की सराहना करता हूं जिन्होंने इस सभा के सर्वोच्च पद पर डॉक्टर रमन सिंह जी को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा की उच्च कोटि की संसदीय परंपरा को और अधिक ऊंचाई दी है।
अध्यक्ष इस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था का प्रतीक है और मेरा विश्वास है कि आज इस पद पर सर्वसम्मति से आसीन होने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी अपने दीर्घकालीन संसदीय अनुभव से दोनों पक्षों को साथ लेकर सदन का संचालन निष्पक्षता के साथ करेंगे। मैं पुनः डॉक्टर रमन सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी इस आसंदी को ग्रहण करें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी से अनुरोध है कि वे कृपया उन्हें ससम्मान आसंदी तक लाएं। मैं इधर से आता हूं।